शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है, उन पर गर्व है। रणबीर कपूर। 8 मार्च को रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्का रिलीज होने वाली है। रणबीर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और सिलसिले में इंटरव्यूज दे रहे हैं। सिनेमा पत्रकारों के लिए अभी हॉट कीवर्ड है शाहरुख खान और पठान। रणबीर ने भी कोलकाता के एक हालिया इवेंट में इस बारे में बात की। उन्होंने शाहरुख और पठान के नाम के कसीदे पढ़े। रणबीर ने कहा कि पठान ने जो किया फिल्म इंडस्ट्री को उसकी बहुत जरूरत थी। बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि पठान ऐसा कर पाई। मुझे लगता है कि शाहरुख पठान की कामयाबी डिजर्व करते हैं। मैंने उन्हें एक एक्टर के तौर पर देखा है, कुछ मौकों पर उनके साथ काम भी किया है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है, मुझे उन पर गर्व है। कुछ दिन पहले रणबीर कपूर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जहां उनसे पत्रकार ने पूछा कि बॉलीवुड की हालत आजकल डाइसी अस्त्र चल रही है। इस पर रणबीर तुरंत कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं, पठान की कलेक्शन देखी नहीं तूने। रणबीर कपूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स लगातार पत्रकार की खिंचाई कर रहे हैं। एक ने लिखा, हाँ पत्रकारों को बस यही चाहिए, मुक्का मारना और सत्ता में दबे कुचले लोगों की एक और याद दिलाना। एक ने लिखा, मीडिया को रणबीर से अच्छा ट्रोल कोई नहीं कर सकता। एक और ट्विटर यूजर ने कहा, मैं रणबीर का फैन नहीं हूं, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उनके बीबीसी कमेंट पर नाराजगी जताने का कोई कारण है। इसे मजाक के तौर पर लिया जा सकता है, लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। एक और ने लिखा, रोहित शेट्टी सही थे, ये न्यूज रिपोर्टर लगातार बॉलीवुड पर ये झूठा नैरेटिव वाला बयान दे रहे हैं, ये लोग पत्रकारिता के लायक बिल्कुल भी नहीं है। बीते 14 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर 4 एपिसोड की डॉक्यू सीरीज द रोमांटिक रिलीज हुई थी। रणबीर ने उस सीरीज में भी शाहरुख और डीडीएलजे से उनके किरदार राज पर बात की थी। बताया कि रोमांस को वो जिस तरह से देखते हैं, वो नजरिया बनाने में उस फिल्म का बड़ा हाथ था। रणबीर ने अपने करियर में बचना ए हसीनो ये जवानी है दीवानी, रॉक स्टार जैसी फिल्में दी हैं, ऐसी फिल्में जिनका कोर रोमांस ही था। अब उनकी अगली रिलीज तू झूठी मैं मक्कार को भी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ही बताया जा रहा है। हालांकि रणबीर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस फिल्म के बाद ऐसे जॉनर की फिल्में नहीं करेंगे। 8 मार्च को आने वाली लव रंजन की फिल्म के बाद उनकी अगली रिलीज एनिमल है, हिंसा खून खराबे पर केंद्रित कहानी। शाहरुख खान को लेकर रणबीर कपूर के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम भारत खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।